अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने जहां जल्दबाजी की, जहां लापरवाही की, समझिए वहां दौड़ती हुई मौत से टकरा गए। दरअसल अमरोहा से ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां 20 सेकंड की गलती कई जिंदगियों पर भारी पड़ी। सावधान, जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। एक रॉन्ग साइड जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट। सड़क हादसे की इस तस्वीर को आपके लिए ध्यान से देखना बेहद जरूरी है। सड़क हादसे की इस तस्वीर से आपके लिए सबक लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अक्सर आप भी इसी तरह जल्दबाजी में हो सकते हैं, पर तभी कुछ ऐसा हो सकता है जैसा यहां इनके साथ हुआ। देखिए, रात का वक्त है, अमरोहा में गजरौला थाने के नेशनल हाईवे 9 पर पेट्रोल पंप के सामने से गाड़ियां गुजर रही हैं। इस दौरान स्कूटी सवार आए और हाईवे पर आगे बढ़ते गए, तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आई और हो गया रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। एक बार फिर देखिए कार और स्कूटी के बीच कितनी जबरदस्त टक्कर हुई है। ये टक्कर इतनी खतरनाक है कि स्कूटी पर सवार दोनों युवक दूर जा गिरे। बताया जा रहा है यह हादसा 21 अप्रैल को हुआ। हालांकि अब इसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे का शिकार हुए दोनों स्कूटी सवार बुरी तरह घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप जब भी गाड़ी चलाएं बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ चलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जो हैरान करती है। बताती है कि सनक जब सिर पर सवार हो जाए तो क्या होगा। दरअसल एक पति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद थाने जाकर अपना जुर्म कबूल कर। कातिल पति का सनसनीखेज कबूलनामा। गर्भवती पत्नी पर चाकू से वार। एक झटके में 7 जन्मों के रिश्ते तार तार। ये वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ के खरखौंदा की है, जहां पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी और फिर खून से सने कपड़ों में खुद थाने जाकर अपना जुर्म कबूल किया। कत्ल की कहानी कातिल की जुबानी सुनकर पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। आनंद फानन में सिरफिरे को हिरासत में लेने के बाद मौका वारदात पर पहुंचकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी ने दावा किया कि उसकी पत्नी लगातार उसे हत्या की धमकी दिया करती थी, जिससे तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। थाना क्षेत्र खरखौदा के मोहल्ला तिहाई में एक पति के द्वारा पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पति का नाम विनोद है, उम्र लगभग 35-36 साल है। इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पति की गिरफ्तारी कर ली गई है, जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी कर ली गई है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया गया है कि जो पत्नी थी वो धमकी देती थी कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी, तो उसी संशय में पति के द्वारा ये घटना की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है हत्याकांड से पहले दंपत्ति के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर पूनम की हत्या कर डाली। घर से चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे तो कमरे का मंजर देख उनकी चीख निकल गई, जिसके बाद विनोद खून से सनी तराती को फेंक कर घर से फरार हो गया। खून से लथपथ विनोद सीधे थाने पहुंचा, जिसे देखते ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।